पुरानी बिल्डिंग क्योंकि यहाँ पर बनने जा रही है आधुनिक ओपीडी। वही जिला अस्पताल अपनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए निकट भविष्य में देने जा रहा है परीक्षा, उसकी तैयारी में जुटा। हमने सिविल सर्जन से बात की। अस्पताल की बरसों पुरानी बिल्डिंग टूटी, यहाँ पर बनने जा रही है आधुनिक ओपीडी। वहीं जिला अस्पताल अपनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए निकट भविष्य में देने जा रहा परीक्षा, उसकी तैयारी में जुटा। हमने सिविल सर्जन से बात की। ये घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत यहाँ मॉड्यूलर ओपीडी प्रस्तावित है बनना, अब वो हाउसिंग बोर्ड को ये मिल गया है काम, तो हाउसिंग बोर्ड जो है इसमें मॉड्यूलर ओपीडी बनवाना शुरू कर रही, जो G+3 बनना है। किस तरीके से ये ओपीडी बनने के बाद रीवा शहर को किस तरीके की सुविधाएं मिलने लगेंगी? अब ये आगामी भविष्य को देखते हुए 200 से अभी हमारा अस्पताल 200 बिस्तर का लगभग होने जा रहा है और वर्तमान में 100 बिस्तर है, हम 215 ऑलरेडी डील कर रहे हैं। तो ये ओपीडी भी भविष्य के आगामी आने वाले 10 साल 15 साल के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से बन रही कि हमारे जैसे जैसे स्पेशलिटी बढ़ती जाएंगी DH में, तो हमें स्थान की कमी ना रहे और मरीजों के लिए सुविधाएं हम पर्याप्त दे पाएँ। अभी आपने कहा स्थान की कमी ना रहे, हम सुविधाएं दें, तो अभी निकट भविष्य में किस तरीके की आपके यहाँ इंस्पेक्शन होने वाला है, किस तरीके से बढ़ाने की आपकी प्लानिंग है? हमारे यहाँ भी 28, 29, 30 नवंबर को NQAS की टीम आ रही, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ये राष्ट्रीय स्तर पर मानक भारत सरकार द्वारा तय किए गए हैं हर एक बिंदु के। उसमें 8 हमारे साइट होते हैं, डिवीजन होते हैं, उन डिवीजनों के आधार पर उन लोग मार्किंग करते हैं। प्रत्येक मार्किंग में हमें 70% के ऊपर हम नंबर जब लाते हैं तो हमारा जो अस्पताल होता है नेशनल क्वालिटी में NQAS में सेलेक्ट होता है। और फिर उस हिसाब से भारत सरकार द्वारा हमें प्रत्येक बेड के मान के हिसाब से अलग से अस्पताल के विकास के लिए बजट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अस्पताल जैसे जो जबलपुर है, विदिशा है, जिन्होंने NQAS ग्रहण किया है, उनको प्रत्येक वो 400-400 बेड हैं, 500-500 बेड के अस्पताल, उनको भारत सरकार द्वारा पर्याप्त बजट मिलता है। तो यदि हम उस NQAS में अब सफल हो जाते हैं, हमारी तैयारी चल रही है, तो निश्चित रूप से हमारे अस्पताल में भारत मध्य प्रदेश शासन जो कर रही है, बजट दे रही है, जो है भारत सरकार द्वारा प्रति बेड के मान से हमें जो है अलग से बजट मिलेगा। जैसे कि अभी 28-29-30 को NQAS का असेसमेंट होना है, इसमें निश्चित रूप से हम पास होंगे। उसके बाद हम जो विश्व स्तर की जो मानक की जो सुविधाएं हैं वो जिला चिकित्सालय में प्रदाय करेंगे। उससे जो मरीज के परिजन हैं, इनको लाभ होगा। बहुत चीज़ों के लिए उनको, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो उससे निश्चित रूप से जिला चिकित्सालय का काम अच्छा होगा। क्या नाम है किस पद पर? मैं डॉक्टर विकास सिंह हूँ, यहाँ पे RMO का कार्य देख रहा हूँ।